नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उद्यान एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई से बेंगलोर के बीच में चलती है। ये ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से बेंगलोर सिटी यानी कि KSR बेंगलोर तक चलती है। इस ट्रेन की बात की जाए तो ये डेली ट्रेन है। इनॉग्रल रन इस ट्रेन का 1 जुलाई 1984 में हुआ था। इसमें आपको पेंट्री कार नहीं मिलेगी, ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको इसमें मिलेगी। कोचेज़ की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर के कोचेज़ हैं। स्लीपर के इसमें कुल 10 कोचेज़ हैं। तीन कोच सेकेंड एसी के हैं और एक कोच फर्स्ट एसी का, और थर्ड एसी के 3 डब्बे हैं। बाकी 3 डब्बे जनरल के हैं। इसके अलावा ये उद्यान एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 11301। तो ये CSMT से SBC यानी कि KSR बेंगलोर तक ये पुणे का वेट WDP 4D लेकर चलती है। दोस्तों आगे बात करते हैं कोचेस की। तो इसमें स्लीपर के कोचेस का किराया है करीब 530 रुपये। आपको सामने शो भी हो रहा है फेयर ब्रेकअप पूरा। और स्लीपर के अलावा सब में GST लगता है सारे कोचेज़ में। थर्ड एसी का एक किराया है 1425 और सेकंड एसी का किराया करीब 2050 के आसपास का, और फर्स्ट एसी के कोचेज़ का किराया करीब 3465 रुपये। ये मैं आपको किराया मुंबई से बेंगलोर तक का बता रहा हूँ, ये अपडेटेड नहीं है। इसके लिए आप रेलवे की वेबसाइट ज़रूर रेफ़र करें। रूट की बात करते हैं तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ये 8:10 पर डेली रवाना होती है। उसके बाद ये दादर, मुंबई के दादर सेंट्रल या दादर में पहुँचती है 8:22 पे, और 8:25 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। दादर के बाद ये कल्याण जंक्शन पहुँचती है। कल्याण जंक्शन इसके पहुँचने का समय 9:02 पे, और 9:05 पे ट्रेन कल्याण जंक्शन से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। कल्याण के बाद ये लोनावाला पहुँचती है 10:32 पे, और 10:35 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये पुणे जंक्शन पहुँचती है। पुणे जंक्शन इसके पहुँचने का समय 11:40 पे, और 12:15 5 मिनट के हॉल्ट के बाद पुणे जंक्शन से ट्रेन चल पड़ती है। पुणे के बाद ये उरुली रेलवे स्टेशन में पहुँचती है। उरुली में ये 12:14 पहुँचती है, और 12:15 वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। दौंद जंक्शन इसके पहुँचने का समय 1:00 दोपहर में, और 1:05 पे ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। दौंद जंक्शन के बाद ये कुर्डीवाड़ी जंक्शन पहुँचती है। कुर्डीवाड़ी जंक्शन ये 2:58 पे पहुँचती है, और 3:00 वहाँ से चल पड़ती है। 2 मिनट का स्टॉप है। सोलापुर रेलवे स्टेशन पे इसके पहुँचने का समय 4:10 पे, और 4:15 ट्रेन सोलापुर से चल पड़ती है। उसके बाद ये अक्कलकोट में पहुँचती है। अक्कलकोट रोड में इसके पहुँचने का समय है 4:48 पे, और 4:50 पे ट्रेन 2 मिनट के बाद अक्कलकोट रोड से चल पड़ती है। उसके बाद ये दुधानी पहुँचती है। दुधनी इसके पहुँचने का समय है 5:13 पे, और 5:15 ट्रेन दुधनी से चल पड़ती है। उसके बाद ये गाणगापुर रोड पहुँचती है। गाणगापुर रोड इसके पहुँचने का समय 5:43 पे, और 5:45 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। उसके बाद ये कलबुर्गी जंक्शन पहुँचती है। कलबुर्गी में इसके पहुँचने का समय 6:40 के करीब, और 6:44 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके अगर 5 मिनट का स्टॉप है। शाहबाद पे इसके पहुँचने का समय 7:08 पे, और 7:10 पे ट्रेन यहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये वाड़ी जंक्शन पहुँचती है। वाड़ी जंक्शन इसके पहुँचने का समय 7:40 पे, और 7:45 पे ट्रेन वाड़ी जंक्शन से चल पड़ती है। वाड़ी जंक्शन के बाद ये नलवार में पहुँचती है। नलवार में इसके पहुँचने का समय है 8:00 के करीब, और 1 मिनट के बाद 8:00 ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये यादगिर जंक्शन, यादगिर में पहुंचती है 8:19 पर, 8:20 पर रात में ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये सैदापुर में पहुंचती है। सैदापुर पे इसके पहुंचने का समय करीब 8:40 के करीब, और 8:40 पर ट्रेन सैदापुर से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये कृष्णा में पहुंचती है। कृष्णा इसके पहुंचने का समय है 9:08 पर, और 9:10 पर रात को ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। कृष्णा के बाद ये रायचूर जंक्शन पहुंचती है। रायचूर जंक्शन इसके पहुंचने का समय 9:38 पर, और 9:40 पर ट्रेन रायचूर जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। रायचूर जंक्शन के बाद ये मंत्रालयम रोड में पहुंचती है। मंत्रालयम रोड में ये 10:09 पे पहुँचती है, और 10:10 पे रात को ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। मंत्रालयम रोड के बाद ये अडौनी जंक्शन पहुँचती है। अडौनी में इसके पहुँचने का समय है
करीब 10:50 के करीब, और 10:50 पे ट्रेन वहाँ से चपड़ती है। एक मिनट का स्टॉप है गुंतकल में, इसके पहुँचने का समय है 11:40 पे, और 11:45 पे ट्रेन वहाँ से चपड़ती है। गुंतकल के बाद एक गुटी जंक्शन पहुँचते हैं, गुटी जंक्शन इसके पहुँचने का समय है 12:14 पे, और 12:15 बजे रात को ट्रेन वहाँ से चपड़ती है। इसके पर एक मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अनंतापुर में पहुँचती है 2:08 पे, और 2:10 पे ये ट्रेन वहाँ से चपड़ती है। अनंतापुर के बाद पहुँचती है धर्मवरम में पहुँचती है। इसके यहाँ पर पहुँचने का समय है 4:03 पे, और 4:05 पे ट्रेन वहाँ से चपड़ती है। उसके बाद श्री सत्या प्रशांति निलयम में पहुँचती है, यहाँ पर ये 4:33 पे पहुँचती है सुबह में, और 4:35 पे वहाँ से चपड़ती है। उसके बाद ये पनुकोंडा जंक्शन पहुँचती है, यहाँ पर 5 बजे के करीब पहुँचती है, और 5 बजे वहाँ से चपड़ती है। इसके यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हिंदूपुर में पहुँचती है 5:38 पे, और 5:40 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये पहुँचती है गौरी बिडनूर, यहाँ पे इसके पहुँचने का समय 6:18 पे, और 6:20 पे ट्रेन वहाँ से सुबह में चल पड़ती है। उसके बाद ये डोडवालापुर में पहुँचती है, यहाँ पर 7:01 पे पहुँचती है, और 7:02 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद यलहंका में पहुँचती है, यलहंका जंक्शन, इसके पहुँचने का समय 7:24 पे, और 7:25 पे ट्रेन सुबह में वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये बेंगलुरु ईस्ट में पहुंचती है 7:08 के करीब, और 8 बजे वहाँ से चपड़ती है। इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अपने सेकंड लास्ट स्टेशन बेंगलुरु कैंट में पहुंचती है 8:10 पे, और 8:15 पे वहाँ से चपड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अपने लास्ट स्टेशन डेस्टिनेशन स्टेशन बेंगलोर सिटी पहुँचती है, बेंगलोर सिटी या KSR बेंगलोर स्टेशन, 8:50 पर, और वहाँ पर जाकर अपनी जर्नी समाप्त कर देती है 1150 किलोमीटर की। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। यूज़र आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।